जय श्री राधे। आप दोनों व्रत रखती हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में आप कंसेप्ट क्लियर करिए कि आप एकादशी क्यों रखती हैं और बृहस्पतिवार का व्रत क्यों रखती हैं। मैं नहीं जानता बृहस्पतिवार का व्रत क्यों रखा जाता है, क्योंकि मैंने जीवन में कभी नहीं रखा, ना मुझे पता है, वास्तव में नहीं पता, हृदय से बता रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार का जो व्रत होगा वो किसी लौकिक कामना की पूर्ति के लिए होगा, या तो धन वृद्धि के लिए होगा, या बृहस्पतिवार गुरुवार होता है शायद बुद्धि वृद्धि के लिए होगा, या क्लेश नाश के लिए होगा। और एकादशी का व्रत हरि भक्ति प्राप्ति के लिए है। मानव का जीवन हरि भजन के लिए मिला है, हरि भक्ति ठाकुर जी की प्रेम सहित चरण सेवा के लिए मिला है, तो हमें हमेशा एक वैष्णव को एकादशी व्रत को ही महत्व देना है। बृहस्पतिवार का व्रत सहज में होता रहे, करते रहिए, और अगर कोई अड़चन है तो बृहस्पतिवार के व्रत को प्रणाम कर दीजिए, क्योंकि एकादशी व्रत से आपको धन भी मिल जाएगा, भक्ति भी मिल जाएगी, क्लेश भी नाश हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये सभी व्रतों का बाप है एकादशी व्रत। मैं वैष्णव वृत्ति से बता रहा हूँ, तो और आप भी ऐसा ही कर रही हैं। आपने बताया कि बृहस्पति को छूटता है तो मैं एकादशी करती हूँ, फिर बृहस्पति तो छूट जाता है, तो ऐसा ही करिए। दोनों व्रत ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब दोनों हो, बृहस्पत को बृहस्पत का कर लीजिए, शुक्र को एकादशी का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बृहस्पत को पड़ जाए तो बृहस्पत का व्रत छोड़ दीजिए, और आगे पीछे पड़ जाए तो बृहस्पत का छोड़ दीजिए। आप एकादशी व्रत को निष्ठा से कीजिए, इसी में आपका हित है, यही वैष्णव रीति है। एकादशी व्रत छोड़ देना बृहस्पतिवार के लिए, ये कभी भी वैष्णव रीति की आज्ञा नहीं है। ये आज्ञा है कि एकादशी के लिए आप कोई भी व्रत छोड़ दीजिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ। फिर भी आप अपने आप को तोल लीजिए, जहाँ आपकी निष्ठा बैठे वैसे कर लीजिए, उसमें भी कोई खास बात नहीं, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। जय श्री राधे, जय।